ये क्या बनाया? ऑटो। और क्या लेके बैठे हो? और कृतांश तुम क्या कर रहे हो वहां से? वीडियो। ओ, ये पैसे लेके क्यों बैठे हो? ठेलूंगा या कस्टमर को दूंगा? हाय फ्रेंड्स, एंजॉय माताजी टू एवरीवन। दिसंबर मंथ स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं है। फैन भी फास्ट पे रख के सोना पड़ता है। मैं बनाने वाली हूँ मेथी मटर मलाई। तो मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल लिया हुआ है और मैं एक सिनेमन स्टिक, एक लौंग और एक इलायची को कूट लूँगी। ऑयल में तीनों चीज़ों को कूट कर मैं ऐड कर दूँगी। फिर मैं अंदर ऐड करूँगी जिंजर, एक चिली और थोड़ा सा गार्लिक, और फिर उसे फ्राई करेंगे। और मैं ये ग्रेवी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब अंदर ऐड करेंगे ऑनियन को भी फ्राई करेंगे। मैं मेथी मटर मलाई जो है वो दो तरीके से बनाती हूँ। फर्स्ट वन जो है वो रेड ग्रेवी से, एंड दूसरी वाली जो है वो मैं वाइट ग्रेवी से बनाती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रेड ग्रेवी मटर मलाई। ऑनियन में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया हुआ है ताकि ऑनियन जो है जल्दी से कुक हो जाए। जब तक ऑनियन कुक होते हैं तब तक मैंने मेथी को वॉश करके सुखा लिया है, उसे भी कट कर लूँगी साइड में। अब मैं अंदर एक बड़ा टमाटर चॉप करके ऐड कर दूँगी। अब मैं अंदर ऐड करूँगी 5 काजू और थोड़े से पॉपी सीड, जो खसखस बोलते हैं, उसे ऐड करूँगी। अगर आप काजू और पॉपी सीड अंदर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप मूंगफली के थोड़े दाने ले लीजिए। उसके ऊपर की स्किन निकाल के थोड़े से मूंगफली के दाने ऐड कर दीजिए। अराउंड 15-20 दाने ही ऐड कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। मतलब मैं मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। बस ये कुक हो चुके हैं टमेटोज, तो मैं उसे गैस बंद कर लूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो जब तक ग्रेवी का प्रिपरेशन जो है वो ठंडा हो रहा है, क्योंकि वो ठंडा होगा बाद में ही मैं मिक्सी में चर्न कर पाऊँगी, तो तब तक मैं घर के दूसरे काम निपटा लूँगी। तो मैं कपड़े जो है मैंने वॉश किए थे, तो जितने सूख गए हैं उसे मैं फोल्ड करके रख लूँगी। और साथ में मैं न्यूज़ देख रही हूँ। और मैंने रेनकोट भी राकेश का वॉश किया हुआ है, मेरा मैंने वॉश करके सुखा लिया है। एक्चुअली मैंने रख दिए थे लेकिन फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी तो मैंने बाहर निकाले थे। तो अभी बारिश ऑलमोस्ट बंद हो गई है तो मैंने दोनों रेनकोट वॉश कर लिए हैं। अभी मैं इसे अच्छे से फोल्ड करके फिर मैं रख लूँगी। आप कभी भी रेनकोट को वॉश करके रखते हैं सुखा के, तो ध्यान में रखिए कि उसके जो पॉकेट्स रहते हैं उसे सूखे कपड़े से अंदर से पोंछ लें, क्योंकि उसमें भी पानी चला जाता है लेकिन वो सूखते नहीं है, बाहर पॉकेट गीले रहते हैं। तो सूखा कपड़ा डाल के पॉकेट में अच्छे से पोंछ लीजिए। बस अभी बारिश के रेनकोट्स जो है वो मैं रख दूंगी, लेकिन मैंने अभी विंटर के कुछ भी कपड़े नहीं निकाले, वुलन क्लोथ्स या कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं है, गर्मी होती है, पसीना होता है। तो मैंने दूसरा काम निपटाया, तब तक जो ग्रेवी की प्रिपरेशन है वो ठंडी हो चुकी है। तो बस मैं इसे अभी ग्राइंड कर लूँगी। ग्रेवी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अभी मैं फ्राइंग पैन में ऑयल लूँगी, तो ऑयल में बहुत कम लूँगी क्योंकि मुझे मलाई भी ऐड करनी है सब्ज़ी में। इसलिए जैसे ही ऑयल गर्म होता है अंदर मैं ऐड करूँगी चॉप की हुई मेथी। मेथी के हिस्से का सॉल्ट ऐड करके हम मेथी को कुक करेंगे। आप चाहे तो मेथी को ब्लांच करके भी मेथी सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ऑयल में ही फ्राई करके मैं ऐड करूँगी। मेथी जो है कुक हो गई है तो मैं इसे वापस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और सेम फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल लूँगी। ऑयल में मैं ऐड करूँगी एक रेड सूखी मिर्ची और थोड़ा सा जीरा, और जीरा जैसे ही क्रैकल होगा अंदर हींग ऐड करेंगे। अब हम अंदर ग्रेवी ऐड करेंगे। ग्रेवी को ऑयल छूटने तक हम फ्राई करेंगे। जैसे ही साइड में ऑयल रिलीज होगा हम बाकी के मसाले कर लेंगे।
ऑयल जो है साइड में से रिलीज़ हो गया है। मैंने बहुत थोड़ा सा ही ऑयल ऐड किया था तो थोड़ा ही ऑयल रिलीज़ हुआ है। तो अभी मैं अंदर ऐड कर रही हूँ हल्दी, रेड चिली पाउडर और धनिया जीरा पाउडर। मसालों को अच्छे से हम भूनेंगे। अब मैं ग्रेवी में ऐड करूंगी मिल्क। आप चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हो, बट मैं पंजाबी सब्जी में ग्रेवी में मिल्क ऐड करना प्रीफर करती हूँ। अगर आप भी पंजाबी सब्जी बनाते हैं तो आप भी ग्रेवी में मिल्क ऐड करके ट्राई कीजिए। देख फिर आप टेस्ट में आपको पता चलेगा कि जो सब्जी है वो मिल्क वाली जो सब्जी है वो टेस्ट में काफ़ी रिच टेस्ट देती है आपको। और बहुत ही कम हम शुगर ऐड करेंगे। मैंने आधा चम्मच से भी थोड़ा कम शुगर लिया था। और ये मीठी सब्ज़ी नहीं बनेगी शुगर ऐड करने के बावजूद, मैंने इतनी कम शुगर ली थी। अब मैं ग्रेवी को लीड लगा के कुक होने के लिए रख दूंगी। ऊपर मैंने कसूरी मेथी रखी थी ताकि वो गर्म हो जाए तो मैं अच्छे से उसका चूरा बना सकूं। तो साइड में से ऑयल जो है वो रिलीज़ हो चुका है। अब मैं ऐड करूंगी बॉईल किए हुए ग्रीन मटर और मेथी की जो भाजी मैंने फ्राई करके रखी थी। अब अंदर ऐड करेंगे मलाई। अंदर मलाई जो है वो अच्छी क्वांटिटी में लेनी पड़ती है क्योंकि इसका नाम ही है मेथी मटर मलाई। और मलाई से टेस्ट भी अच्छा हो जाता है सब्ज़ी में, इसीलिए मैंने ऑयल जो है वो काफ़ी कम लिया हुआ है फ्राई करते टाइम सब्ज़ी में। जिनके पास मलाई नहीं है वो ब्लू पैक आता है अमूल का फ्रेश क्रीम का, उसे ऐड कीजिए। मुझे ग्रेवी थोड़ी ठीक लग रही है तो मैं और थोड़ा मिल्क ऐड करूँगी क्योंकि मलाई ऐड करने के बाद जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है और थोड़ी लूज़ होती थी, इसलिए मैंने थोड़ा कम मिल्क ऐड किया था। तो अभी मैं मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अंदर मिल्क ऐड करूँगी। अब सब्ज़ी को लीड लगा के थोड़े टाइम के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। तो हमारी जो सब्ज़ी है वो तैयार है। आजू बाजू में से ऑयल भी निकल गया है ग्रेवी में से, तो बस अंदर फाइनली मैंने कसूरी मेथी ऐड की और गैस जो है वो बंद कर दिया। और साथ ही में मैं आटा गूंथ लूँगी। तो मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसमें नमक ऐड किया हुआ है और पानी से अभी जो है वो डो बना लूँगी। तो आज सब्ज़ी में मैं पराठे नहीं बनाने वाली हूँ, सिंपल सी रोटी ही बनाने वाली हूँ क्योंकि सब्ज़ी में ज़्यादातर मलाई का यूज़ किया है तो मैं रोटी ही बनाऊँगी। तो ये जो मैं अभी खाना बना रही हूँ ये डिनर की प्रिपरेशन में कर रही हूँ। कृतांश्रुतिक स्कूल में गए हैं तो मैं डिनर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ ताकि जब सब वो शाम को आते हैं तो मैं उनको खाना बना के खिला देती हूँ। तुरंत ही रोटी या जो भी बाकी रहता है वो मेरा, और बाद में मैं स्टडी के लिए बैठा देती हूँ। तो आटा जो है वो मैंने गूंथ लिया है। अभी मैं इस तरह से उसको फैला लूँगी। अभी मैंने ऑयल ऐड नहीं किया है आटे में। मैं पानी जो है ऊपर स्प्रिंकल कर लूँगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी जो है स्प्रिंकल करके 15-20 मिनट के लिए मैं रेस्टिंग टाइम दे दूँगी। मीन टाइम में तब तक जो बर्तन है वो सारे क्लीन कर लूँगी, जितने भी बर्तन हुए हैं वो। फिर मैं आटे को ऑयल से गूंथ लूँगी और फिर स्कूल के लिए मैं रेडी हो जाऊँगी क्योंकि कृतांश्रुति को मुझे लेने जाना है तो मुझे चेंज भी करना है। मैं थोड़े थोड़े बर्तन जो रहते हैं जैसे ही टाइम मिलता है मैं क्लीन कर डालती हूँ ताकि मुझे बर्डन ना पड़े। और बर्तन भी हो गए हैं, मैं हैंड को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ हैंड वॉश से क्योंकि मुझे आटा भी गूंथना है अभी बाकी है। आटे को मैं अच्छे से मसल लूँगी। मैंने इसमें पानी ऐड किया हुआ था। तो इस तरह से रोटी बनाते हैं ना तो वो काफ़ी सॉफ्ट बनती है, आप भी एक बार ट्राई कीजिए। बट पहले से ही आटा जो है ना वो लूज़ ना कर दे क्योंकि हम पानी ऊपर छिड़कते हैं तो और आटा लूज़ होगा। तो पानी ज़्यादा पहले से ही मत ऐड कीजिए। तो अभी इससे अच्छे से मसल लूँगी। अभी मैं ऑयल ऐड करूँगी और अगेन आटे को अच्छे से मसल लूँगी। इस तरह करने से आटे हमारी रोटी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट बनती है। और अभी अराउंड में 3 मिनट के लिए आटे को मसलूंगी। आटे को अच्छे से मसल लिया है, अभी मैं उसे ढक के फिर रख दूंगी। जब कृतांश्रुति आएंगे तभी रोटी बना के दूंगी। तो कृतांश्रुति को मैं स्कूल से लेके आ गई हूँ। दोनों ने नीचे थोड़ा बहुत खेला भी और दोनों फ्रेश भी हो गए, हाथ पैर भी धो लिए। अभी डायरेक्ट मैं उनको खाना ही दे दूंगी क्योंकि उनको भूख लगती है। तो बस अभी मैंने सब्ज़ी निकाल के दी है, अभी एक साइड रोटियाँ भी बना दूंगी।
मैं रोटियां बनाती हूँ जब रोल करती हूँ तब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सूखा आटा है वो जितना हो सके उतना कम लूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं रोटी जो है वो उठा उठा के बेलती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं सूखा आटा कम लूँ, क्योंकि सूखा आटा ज़्यादा लेने से क्या होता है, हमारी रोटी जो है ना सॉफ्ट नहीं रहती है। तो रोटियां भी बनने लगी है, तभी कृतांश कृति को मैं एक के बाद एक देने लगूंगी। अभी मैं चेक कर रही हूँ कृतांश कृति के नोट्स कि उनको आज स्कूल में क्या करवाया है, और ये मैं हर रोज़ चेक करती हूँ। जब भी स्कूल से लौटते हैं तब उन्होंने स्कूल में आज क्या करवाया टीचर्स ने, वो मैं ज़रूर चेक करती हूँ। कृतांश कृति को मैं भी स्टडी करवाऊँगी, उनका जो भी आज स्कूल में करवाया वो मैं वापस रिवाइज करवाऊँगी उनको। मैंने कल का ब्लॉग जो है वो फिनिश नहीं किया था, एंड नहीं किया था, तो मैं आज कर दूँगी एंड। कल मेरे मम्मी भी आए थे तो फिर मैं मम्मी के साथ बाहर गई थी, तो कल मैंने कुछ शूट नहीं किया। और कल मेरे मम्मी आए थे तो सबके लिए समोसा लेके आए थे, वहाँ का एक शॉप का समोसा पसंद है हम सबको, तो सबके लिए दो दो समोसा लेके आए थे। तो कृतिक ने अपने हिस्से का खा लिया, मैंने खा लिया, लेकिन कृतांश ने है ना एक ही खाया, और उसने कहा कि मैं एक है ना बाद में खाऊंगा, तो मैंने उसको ढक के किचन में गैस स्टोव के ऊपर रख दिया। फिर हम लोग स्टडी करने के लिए बैठ गए कृतांश कृति। फिर जब ये किचन में उठ के गया, बोलता है मुझे पानी पीना है, और पानी पीने गया, उसने समोसा उसका ले लिया कृतांश का, और मुंह में ठीक से चबाया भी नहीं, इसे डाल डाल के खा लिया, जैसे तैसे निकल गया उसका समोसा, इसने खा लिया। फिर वो आके बाहर बोल रहा था मैंने समोसा खाया, मैंने समोसा खाया। तो हम लोग को लगा कि इसको चिढ़ा रहा है इसे, ऐसे झूठ बोल के। फिर जब इसना स्टडी कंप्लीट कर ली तो उसने बोला कि मम्मी मुझे तो समोसा खाना है मेरा, तो ठीक है मैं देती हूँ। मैं गई किचन में, देखा तो समोसा था ही नहीं, तो ये खा गया उसका समोसा, और ये इतना रो रहा है मेरा समोसा खा गया करते वो इतना रो रहा है। लेकिन इसने चीटिंग की तो उसका फल भी उसको मिला। फिर हम लोग बाहर गए मम्मी के साथ, किसी के घर पे गए, तो वहाँ पे भी कोल्ड ड्रिंक दी और थोड़ा ड्राई स्नैक्स दिया, तो फिर खाया, दोनों ने खाया, बट इसने वो समोसा है ना चबा के नहीं खाया था, इसे मुँह में घुसा के बस जैसे जैसे निकल गया था, उसने फटाफट से आ गया था वो किचन से बाहर, तो चबाया नहीं था अभी वो पेट में ऐसे ही था। तो उसने फिर वहाँ पे मुझे अचानक आके बोला कि मम्मी मुझे वॉमिट हो रहा है, तो मैं उसको लेके गई वॉशरूम में, और इतनी वॉमिट की उसने, सब समोसा वो पोटैटो और सब था ना वो पूरा अखा निकला, अंदर जो पीसेस थे वो पूरे के पूरे निकले, मतलब उसे ठीक से चबा के नहीं खाया था। जब उसने गलती की तो उसका फल भी उसको मिला, उसने चीटिंग की तो उसको उल्टी भी हुई। जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, कभी ऐसा नहीं करने का। तुमने उसका समोसा खा लिया तो देखो तुमको उल्टी हो गई ना, वो समोसा निकल गया। अभी नेक्स्ट टाइम ऐसा करोगे भाई को सॉरी बोलो, सॉरी बोलो भाई को, जोर से बोलो कुटा से को बोल लॉरी बोल। तो कृतिक को क्या सीखने मिला कि जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, है ना, चीटिंग करते हो तो उसका फल भी मिलता है। तो उसने कल बहुत ही उल्टी की, अच्छा कि जब हम लोग गए थे तो उसने मुझे बताया कि मम्मी मुझे उल्टी हो रही है, जब किसी और के घर में गए थे तो उसने कर नहीं दिया, कभी 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 बच्चों से कंट्रोल नहीं होता है तो कर, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, वैसे तो वो बताते हैं मुझे। तो मैं तुरंत ही वॉशरूम में लेके गई थी, तो मैंने उसको बोला कि ऐसा नहीं करते, ऐसे खाना जो है चबा के खाना पड़ता है, ऐसे उसने फास्ट फास्ट में निकल लिया, उसको लगा कि मैं खा जाता हूँ उसका समोसा तो वरना मैं पकड़ा जाऊँगा अगर कोई आएगा तो, इसलिए उसने फटाफट से खा लिया। बट
ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड हाँ कमेंट भी कीजिए। तो बाय बाय।